हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिलहाल मैं हूं गुजरात की कला नगरी कहे जाने वाले वडोदरा शहर में, और आज की हमारी यात्रा यहां से यानी वडोदरा से मुंबई के दादर स्टेशन तक होने जा रही है। आज की हमारी यात्रा 12928 एकता नगर दादर वेस्टर्न सुपरफास्ट एक्सप्रेस में होने जा रही है, जिसको गुजरात के लोग और स्पेशली बड़ौदा के लोग इसे बड़ौदा एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ये क्यों कहा जाता है इसे बड़ौदा एक्सप्रेस, ये मैं आपको ट्रेन में चढ़ के बताऊंगा। और दोस्तों, इसे रेल फैंस वेस्टर्न रेलवेज की नाइट राइडर भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 का हाल है, ये डेली का यहाँ का सीन है वडोदरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 का, बड़ौदा एक्सप्रेस आने से पहले का। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो रश है पैसेंजर्स का, ये पूरी भीड़ बड़ौदा एक्सप्रेस में चढ़ने वाली है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बड़ौदा के लोग बड़ौदा एक्सप्रेस से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। ये मुंबई जाने के लिए इसी ट्रेन को मोस्ट ऑफ प्रीफर करते हैं। उसका रीज़न मैं आपको आगे जर्नी में बताऊंगा कि क्यों। दोस्तों, ये आप हाल देख लीजिए, ये सारी की सारी भीड़ हमारे ट्रेन में चढ़ने वाली है। दोस्तों, हमारी ट्रेन वडोदरा के वेब 5 30177 लोकोमोटिव के साथ आ चुकी है। दोस्तों, हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और आज की मेरी यात्रा 3rd एसी में होने जा रही है, और आज मेरा कोच है B5। दोस्तों, आपको ये जो भीड़ दिख रही है, हर कोच की सेम कहानी है, हर जगह इतनी ही भीड़ है, पूरी ट्रेन ऑलमोस्ट यहीं से भरती है। दोस्तों, आपने कोच में चढ़ने के लिए भीड़ तो देखी, तो मैंने सोचा सबसे पहले हम अपनी ट्रेन का वडोदरा जंक्शन पे, सेकंड लोको रिवर्सल है तो पहले लोको अटैचमेंट हो रहा है अपोजिट साइड में, जहाँ से जिस डायरेक्शन से ट्रेन आई है वहाँ चलते हैं और लोको अटैचमेंट प्रोसेस देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारी ट्रेन का लोको अटैचमेंट हो रहा है, यानी हमारा सेकंड रिवर्सल है वडोदरा जंक्शन पे। इससे पहले हमारी ट्रेन ने एक लोको रिवर्सल डभोई में हो गया है, जो कि इस ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट था, कमर्शियल हॉल्ट नहीं था। वहाँ पे हमारा फर्स्ट इस ट्रेन का लोको रिहर्सल हुआ, सेकंड लोको रिहर्सल वडोदरा जंक्शन पे हो रहा है। तो हमारी ट्रेन यहाँ आई थी वेब 5 के साथ वडोदरा के, और यहाँ से हमारी ट्रेन जाने वाली है वडोदरा के वेब 739027 के साथ, जिसमें HR पेंटो लगा हुआ है, हाई राइज पेंटो। दोस्तों, यहाँ पे हमारी ट्रेन का लोको रिहर्सल हो गया, हमारी ट्रेन मुंबई की ओर जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, लोको अटैचमेंट हो चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अभी जो निकली ट्रेन वो अहमदाबाद से चेन्नई की ओर जाने वाली नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, हमारी ट्रेन भी निकलने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। चलिए चलते हैं कोच में, सामान सेटल करते हैं और बाकी बातें डिपार्चर के टाइम पर। दोस्तों, हमारी ट्रेन का वडोदरा जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से। अभी वक्त हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। इस ट्रेन का यहाँ से निर्धारित डिपार्चर टाइम था 11:05 का, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ डिले से पहुँची थी। दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन विश्वामित्री जंक्शन को क्रॉस कर रही है, और ये जो लाइंस आपको लेफ्ट साइड निकलते हुए दिख रही हैं, वो लाइंस एकता नगर की ओर से आती है, जहाँ से हमारी ट्रेन आई थी अभी कुछ देर पहले। और विश्वामित्री जंक्शन मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जब ट्रेन मुंबई से एकता नगर की ओर जाती है, तब विश्वामित्री जंक्शन पर इस ट्रेन का स्टॉप है, क्योंकि ये वडोदरा का सबर्बन स्टेशन है, तो यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है डाउन डायरेक्शन में। दोस्तों, अगर इस ट्रेन के रैक कंपोजिशन की बात करें, तो इस ट्रेन के रैक में 22 कोचेज हैं, इस जिसमें से एक फर्स्ट कम सेकंड एसी है, 2 सेकंड एसी है, 6 इसमें 6 थर्ड एसी हैं, 8 स्लीपर क्लास हैं, 3 जनरल कोचेज हैं, 1 SLR और 1 जनरेटर कार है। ऐसे कुल मिला के टोटल इस ट्रेन में 22 कोचेस होते हैं, 22 कोचेस का रैक है, और ये ट्रेन अपना रैक शेयर मुंबई से इंदौर के बीच चलने वाली अवंतिका सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ करती है। दोस्तों, अगर बड़ौदा एक्सप्रेस की हिस्ट्री की बात करें, तो ये ट्रेन वडोदरा जंक्शन से मुंबई सेंट्रल के बीच शुरू हुई थी 1 जून 1976 को। ये डेली सुपरफास्ट ओवरनाइट कनेक्टिविटी थी बड़ौदा और बॉम्बे के बीच में। उस टाइम पे इस ट्रेन के 3 ही हॉल्ट्स थे,
सूरत, वलसाड़ और बोरीवली, उसके बाद इसे पिछले 6 से 8 सालों के बीच में भरूच जंक्शन पर हॉल्ट दिया गया। उसके बाद ये ट्रेन 2019 में एक्सटेंड हुई केवड़िया तक, जिसे आज एकता नगर के नाम से जानते हैं। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने सेकंड हॉल्ट भरूच जंक्शन। भरूच जंक्शन पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पे इस ट्रेन का शेड्यूल्ड अराइवल था 11:59 पे, यहाँ से डिपार्चर था, 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ पे 12:23 पे आई है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के डिले से। दोस्तों भरूच टाउन नर्मदा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। यहाँ की खारी सिंह काफ़ी फेमस है। अगर दिन के वक्त आप यहाँ आएंगे तो आपको काफ़ी वेंडर्स खारी सिंह बेचते हुए मिल जाएंगे। और हमारा यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। दोस्तों आपको विशालकाय नर्मदा नदी का ब्रिज कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम कुछ ही देर में अंकलेश्वर जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। अंकलेश्वर जंक्शन को काफ़ी हाई स्पीड स्किप करती है ये ट्रेन। चलिए देखते हैं अंकलेश्वर जंक्शन का। दोस्तों आपने देखा ही हमारा अंकलेश्वर स्किप हाई स्पीड स्किप था अंकलेश्वर जंक्शन का। ऑलमोस्ट मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर पे थी हमारी ट्रेन। आपको कैसा लगा स्किप आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। चलिए मैं आपसे सीधा मिलता हूँ सूरत अराइवल पे। दोस्तों हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है सूरत रेलवे स्टेशन पे, और साथ ही साथ में किसी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। हमें प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लिया गया है। आप एंजॉय कीजिए प्लेटफॉर्म पे अराइवल, पैरेलल अराइवल एंड डिपार्चर। दोस्तों हमारी ट्रेन अपने थर्ड हॉल्ट यानी सूरत पहुंच चुकी है। सूरत में इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। इसका यहाँ शेड्यूल अराइवल टाइम है 12:50 और 12:55 पे यहाँ से हमारा डिपार्चर होता है। लेकिन हमारी ट्रेन आज यहाँ पे 18 मिनट की देरी से पहुँची है। अगर सूरत की बात करें तो सूरत को टेक्सटाइल हब इंडिया का या फिर इंडिया की डायमंड सिटी भी कहा जाता है। अगर सूरत स्टेशन की बात करें तो सूरत स्टेशन 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और ये एलिवेटेड है, यानी ये चारों चार प्लेटफॉर्म्स एलिवेटेड हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे हैं। अगर आपको सिटी में बाहर जाना है तो आपको यहाँ से उतर के ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ता है। यहाँ से होते हुए आप बाहर जा सकते। फाइनली हमारा सूरत रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है। जब हमारा अराइवल हो रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, उस टाइम पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलने वाली ट्रेन अजमेर से चल के एर्नाकुलम को जाने वाली मरुसागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, जिसके साथ हमारा पैरेलल अराइवल डिपार्चर हुआ था। और अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी हुई ट्रेन अहमदाबाद से चल के चेन्नई को जाने वाली नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। पता नहीं हमने इस ट्रेन को कहाँ पे ओवरटेक किया, क्योंकि ये हमसे पहले वडोदरा जंक्शन से निकली थी, जो कि मैंने शायद आपको दिखाई भी थी। दोस्तों आपने देखा ही हमारी ट्रेन को मरोली स्टेशन पे रोका गया था और वहाँ पे हमारी ट्रेन को ओवरटेक किया था अहमदाबाद से चल के पुणे की ओर जाने वाली एसी दुरंतो एक्सप्रेस ने। और साथ ही साथ में हमारी क्रॉसिंग हुई थी मुंबई सेंट्रल से चल के हापा को जाने वाली एसी दुरंतो एक्सप्रेस के साथ। तो दोनों दुरंतो, एक ने ओवरटेक किया और दूसरी ने हमें क्रॉस किया, दोनों ही चीज़ें
मरोली स्टेशन पे हुई थी। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मरोली से मेरा होम टाउन जस्ट 7 किलोमीटर दूर है, तो एक टाइप से ये मेरा नियरेस्ट होम टाउन स्टेशन हुआ। हालांकि अब गांव में कोई रहता नहीं है, पर फिर भी कुछ यादें तो होती है बचपन की, काफ़ी सारी यादें हैं मरोली स्टेशन के साथ। चलिए, मरोली से हमारी ट्रेन निकल चुकी है, कुछ ही देर में हम क्रॉस करने वाले हैं नवसारी को। देखते हैं, मेरे हिसाब से हाई स्पीड स्किप होने वाला है, देखते हैं कैसा स्किप। उम्मीद करता हूँ आपको नवसारी का स्किप पसंद आया होगा। दोस्तों, अब मैं आपसे सीधा मिलता हूँ अपने नेक्स्ट हॉल्ट वलसाड रेलवे स्टेशन पे। शेड्यूल टाइम से 2 to 3 मिनट्स बिफोर टाइम हमारा अराइवल वलसाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हो रहा है। अगर बात करें वलसाड रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पे इंडियन रेलवेज का काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिक लोको शेड है, जिसकी कैपेसिटी मोर देन 200 लोकोमोटिव्स की है। आज के दिन में इस लोकोशेड के पास वैग 4E, वैग 5, वैग 7 और वैग 9 जैसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं, जिन्हें आप देश भर में कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाते होंगे ये लोकोमोटिव्स। दोस्तों, हमारी ट्रेन अपने 4th हॉल्ट वलसाड़ पहुंच चुकी है। वलसाड़ की बात करें तो वलसाड़ गुजरात का सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और साथ ही साथ में वलसाड़ को गुजरात की हापुस नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंडिया में दो ही जगह हापुस यानी अल्फांसो मैंगोज प्रोड्यूस होते हैं। एक रत्नागिरी में महाराष्ट्र के कोकण रीजन में आता है, और दूसरा हमारे सदर्न गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों, उस वजह से वलसाड़ को हापुस नगरी या गुजरात की हापुस नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और साथ साथ में अगर वलसाड रेलवे स्टेशन की बात करें, तो वलसाड रेलवे स्टेशन 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पे हमारा शेड्यूल अराइवल था 2:23 का, और 2:28 का यहाँ से डिपार्चर है। हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट राइट टाइम पहुँची। अब तक हमारी ट्रेन आधे घंटे से लेके 15 मिनट तक डिले से चल रही थी, लेकिन सूरत से लेके यहाँ तक इसे काफ़ी ज़्यादा स्लैक दिया हुआ है, और उसी वजह से हमारी ट्रेन यहाँ ऑन टाइम या कहूँ कि 2 मिनट बिफोर टाइम पहुँची। तो दोस्तों, ये हुई वलसाड़ की बात। और दोस्तों, यहाँ पे हमारा वलसाड़ रेलवे स्टेशन से भी डिपार्चर हो चुका है। अब मैं चलता हूँ सीधा रेस्ट करने। अब मैं आपसे सीधा मिलूँगा मुंबई में। अब मैं और कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं करने वाला, हो सका तो बोरीवली पर मुलाकात होगी, वरना सीधा दादर रेलवे स्टेशन पर, जहाँ जो कि हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन है। चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन अभी पालघर क्रॉस कर चुकी है, यानी ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन मुंबई सबस में एंटर करने वाली है। देखते हैं वॉशरूम की क्या कंडीशन है। पूरी ऑलमोस्ट जर्नी ख़त्म होने आई, तो क्या कंडीशन है वॉशरूम की। दोस्तों, हमारी ट्रेन मुंबई सबस में एंटर कर चुकी है, देखते हैं वॉशरूम की कंडीशन कैसी है पूरी जर्नी ख़त्म होते होते। ये तो क्लीन है, पानी भी आ रहा है, सोप भी है। अगर बात करें तो ये भी नीट एंड क्लीन है। मिरर थोड़ा सा गंदा है, पर उतना भी नहीं है। यहाँ एयर फ्रेशनर लगा हुआ है, जेट स्प्रे में पानी आ रहा है, पर उतना प्रेशर के साथ नहीं है। नीचे नीट एंड क्लीनलीनेस है। तो ओवरऑल दोस्तों, मैं वॉशरूम को 10 out of 7 दूंगा, क्योंकि फ्लश में थोड़ा पानी कम आ रहा था। बाकी क्लीनलीनेस तो है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ डस्टबिन भी नीट एंड क्लीन ऑलमोस्ट दिख रहा है, नीचे भी फ्लोर क्लीन है, तो ऑलमोस्ट क्लीन है। 10 out of 7 इसकी कंडीशन को देखते हुए मैं दे सकता हूँ और यूज़ करने लायक है। हमारी ट्रेन शेड्यूल टाइम से 10 मिनट बिफोर टाइम डेस्टिनेशन स्टेशन दादर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अराइव हो रही है। इसी के साथ हमारी ट्रेन की 470 किलोमीटर की जर्नी 8 hours 5 minutes में 58 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से पूरी होती है, जिसमें ये ट्रेन 5 हॉल्ट्स पर रुकी थी।
इस ट्रेन के कम से कम हॉल्ट्स तेज़ रफ्तार, हाई प्रायोरिटी और बेस्ट ओवरनाइट टाइमिंग के चलते इस ट्रेन को एकता नगर तक एक्सटेंड करने के बावजूद इसे बड़ोड़ा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और रेल फैंस इसे वेस्टर्न रेलवेज की नाइट राइडर भी कहते हैं। वैसे तो मेरा रिजर्वेशन एकता नगर से था, यानी एंड टू एंड था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते मैं एकता नगर नहीं जा पाया। कोई बात नहीं दोस्तों, किसी और दिन हम एकता नगर स्टेशन को कवर कर लेंगे किसी और ट्रेन जर्नी के साथ। फिलहाल चलिए हम चलते हैं, ट्रेन के इंटीरियर को देखते हैं। चलिए, कोच का इंटीरियर, थर्ड एसी का इंटीरियर अगर बात की जाए यहाँ पे, तो अपर मिडल और यहाँ नीचे लोअर के लिए चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, हैंगर्स हैं, यहाँ लिनन रखने के लिए ये स्टैंड है, साइड अपर साइड लोअर पे भी यहाँ पे दिया हुआ है चार्जिंग पॉइंट, और लिनन तो मिल ही रहे हैं जैसे आपको दिख रहा है। कोच की हालत ख़राब हो चुकी है, एक्चुअली कोच क्लीन था जब वडोदरा में इंटर हुए थे, लेकिन लोगों के यूज़ और ये सब से लिनन्स और ये सब बिखरे पड़े हैं। तो दोस्तों हर थर्ड एसी की तरह ये नॉर्मल सेम सिमिलर कोच है। फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम से 10 मिनट्स बिफोर टाइम यानी 5:20 पे दादर पहुंच चुकी थी। इसी के साथ हमारी 387 किलोमीटर्स की जर्नी 6 आवर्स 25 मिनट्स में 4 हॉल्ट्स के साथ 60 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से यहां पे समाप्त होती है। जल्दी ही मिलेंगे एक नए जर्नी व्लॉग के साथ। वैसे आपको बता दूं कि ये ट्रेन पहले बड़ोड़ा से चलती थी, लेकिन जैसे केवड़िया स्टेशन बना उसके बाद इस ट्रेन को केवड़िया तक एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन लोग इसे अभी भी बड़ोड़ा एक्सप्रेस के नाम से ही जानते हैं। और दोस्तों बात की जाए तो मेरा ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था, बेस्ट ओवरनाइट ट्रेन थी, उसी वजह से इस ट्रेन को लोग नाइट राइडर भी कहते हैं, बड़ोड़ा एक्सप्रेस भी कहते हैं। और दोस्तों इसी के साथ मेरी जर्नी ख़त्म होती है। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नए जर्नी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।